जय स्वामीनारायण दोस्तों, आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं बहुत ही अहम टॉपिक है। वीडियो शुरू में बता दूँ, थोड़ा हो सकता है लंबा हो जाए, क्योंकि जो टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और उसमें लोगों के सुझाव बहुत रहते हैं। जो आज अपना टॉपिक है वो है कि कौन से पौधे में कौन सी खाद और कितनी डालें, कब डालें, कितनी क्वांटिटी में अपने को यूज़ में करनी है, किस तरीके से डालें, ये बहुत अहम टॉपिक होता है। हम जिससे भी बात करते हैं लोग क्या करते हैं, साहब जैसे दवाई बताते हैं उसी तरीके से बताने लग जाते हैं कि आप ऐसे करो साहब, ये डाल लो। कोई किसी के पास जाओगे बोलेगा साहब ऐसे करो आप DAP डाल लो, किसी दूसरे से पूछोगे वो बोलेगा साहब यूरिया डाल लो, कोई बोलेगा साहब इसमें आप कंपोस्ट डाल लो। मगर ये कोई भी, ये हम खुद भी, जैसे मैं कईयों से पूछता था पहले कि यार एडेनियम के लिए क्या डालूँ, यार इसका तना बढ़ाने के लिए क्या डालूँ, या फ्लावरिंग के लिए क्या डालूँ, तो सभी लोगों के अलग अलग तरीके के सुझाव आते थे। तो ये वीडियो बनाने का मेरा खास मकसद ये है कि हम ये समझ पाएँ कि कौन सी खाद कितनी क्वांटिटी में और कैसे डालनी है। तो उसके लिए अपने को पहले थोड़ा बेसिक समझना पड़ेगा कि फर्टिलाइज़र या खाद कितने तरीके की होती हैं। उसकी जब हमको जानकारी हो जाएगी, करेक्टराइजेशन अपन समझ जाएंगे, तो हम ये भी समझ जाएंगे कि मेरे पौधे को आज की डेट में कौन से फर्टिलाइज़र की और कितनी ज़रूरत है। तो उसके लिए मैं आपको बेसिक थोड़ा थोड़ा सा बताना शुरू करता हूँ। आज ये यहाँ बैठ के बनाने का वीडियो का कारण यही है कि पहले हम लोग बेसिक जानकारी समझेंगे और समझने के बाद में हम लोग जो है प्रैक्टिकली फील्ड में हम देखेंगे या अपने गार्डन में अपन देखेंगे कि अपने को कौन से प्लांट में क्या सजेस्ट करना होता है। आजकल क्या है, लोग काफ़ी तरीके की बता देते हैं कि प्याज के छिलके का बना लो या केले के छिलके का बना लो और ये जो कचरे से आप खाद बना लो। मगर बना तो लें, पर क्या आपने उसकी एक्यूरेसी खुद ने देखी है, चेक करी है, क्या आप सेटिस्फाइड हैं? क्योंकि लोग जो बताते हैं वो क्या करते हैं, थोड़ा सा लिया मटेरियल, थोड़े से प्याज के छिलके लिए, उनको भिगो के फिर वो पानी जैसा दिखा के कि साहब ये लो जी आप इसका स्प्रे कर लो। मगर प्लांट को जो है बहुत बैलेंस न्यूट्रिशन चाहिए होता है, चीज़ें काफ़ी चाहिए होती हैं। हम समझ नहीं पाते हैं कि भाई अपने प्लांट में आज की डेट में क्या नीड है। तो हम लोग समझ लेते हैं पहले कि तीन कैटेगरी के मेनली होते हैं फर्टिलाइज़र जो है या खाद अपने। पहला तो होता है मैन्योर, दूसरा होता है केमिकल फर्टिलाइज़र और तीसरा होता है बायो फर्टिलाइज़र। तो मैन्योर जो कैटेगरी है इसमें मेनली जो खाद आते हैं वो आते हैं अपने जैसे काउडंग जो गोबर की खाद से बना हुआ है, या केचुए की खाद है, या मिंगनी की खाद है, और जो बोन मील हो गया अपना, ये सब जो है ये मैन्योर कैटेगरी में आते हैं। इसमें जो न्यूट्रिशनल कंटेंट होते हैं वो इतने नहीं होते हैं। दूसरी कैटेगरी अपनी होती केमिकल फर्टिलाइज़र, जिसमें DAP हो गया, MOP हो गया, यूरिया हो गया, और अपना जैसे NPK आता है, आप लोग काफ़ी लेते होंगे, 19-19-19 आता है। जिस अपन न्यूट्रिशनल कंटेंट के बारे में बात कर रहे थे, मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके बता देता हूँ कि किस किस के अंदर कितना कितना न्यूट्रिशनल कंटेंट होता है। जैसे मैन्योर जो होता है, गोबर की खाद होती है, उसमें नाइट्रोजन होता है 0.2 और फॉस्फोरस और पोटाश जो होता है 0.5 के करीब होता है, मतलब पॉइंट्स में होता है, बहुत ज़्यादा और न्यूट्रिशियस नहीं होता, मगर उसमें ऑर्गेनिक मैटर काफ़ी होता है। दूसरा जैसे अपना गोट मैन्योर हो गया, गोट मैन्योर में नाइट्रोजन 3% होता है, फॉस्फोरस 1% और पोटाश 2% होता है। इसी तरीके से अपन पोल्ट्री की बात करें तो पोल्ट्री में ये कंटेंट थोड़े से और ज़्यादा कंसनट्रेटेड होते हैं, नाइट्रोजन 3%, फॉस्फोरस 2.6% और पोटाश 1.4% होता है। तो इस तरीके से तो ये तो हो गया अपना मैन्योर कैटेगरी में। अब अपन जैसे केमिकल का देखें तो नाइट्रोजन में यूरिया है, मतलब यूरिया में नाइट्रोजन है 46%, DAP में नाइट्रोजन है 18% और फॉस्फोरस है 46%। उसी तरह SSP में जो है 16% फॉस्फोरस होता है। तो ये जैसे फिर जैसे 19-19-19 होता है NPK, उसके अंदर नाइट्रोजन 19% होता है, फॉस्फोरस 19% होता है और पोटाश जो होता है वो 19% होता है। तो इस तरीके से ये कंसनट्रेटेड केमिकल फर्टिलाइज़र होते हैं। और इसी तरीके से फिर हम जैसे बात करें बायो फर्टिलाइज़र्स की, तो बायो फर्टिलाइज़र के अंदर जैसे मेनली होता है पहला तो प्रोम होता है जो फॉस्फोरस रिच होता है, कई लोग इसको DAP का विकल्प भी बोलते हैं। दूसरा हो जाता है अपना DOIL केक से जो मैन्युफैक्चर्ड होता है, नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र होता है। और तीसरा जो होता है पोटाश होता है जो ऑर्गेनिकली ड्राइव्ड होता है। तो इस तरीके से ये जो हम बात कर रहे थे, इस तरीके से मोटा मोटी मैंने आपको बताया, क्योंकि बहुत टेक्निकली अपन जैसे लंबा खींचेंगे तो आप लोगों के समझ में भी कम आएगा शुरुआती, और बहुत लंबा होता है ये वाला जो अपन टॉपिक, अगर इसको पॉइंट टू पॉइंट अपन डिस्कस करें। अब अपन मेनली
जो खाद होती हैं, अपन ने देख लिया है कि उसमें तीन तरीके के कंपोनेंट होते हैं, एक तो नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया और पोटाश हो गया। तो ये हो गया, ये जो होते हैं ये अपने प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो प्लांट को सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है। इसके बाद में जो आते हैं वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम हो गया, सल्फर हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, और फिर ट्रेस एलिमेंट्स भी होते हैं जो थोड़े थोड़े से अपने को चाहिए होते हैं। तो इस तरीके से मेनली अपने को न्यूट्रिशनल ये कंपोनेंट की ज़रूरत होती है। अब अपन जैसे सबसे पहले नाइट्रोजन की बात करें कि नाइट्रोजन किस लिए चाहिए होता है पौधे को, तो पौधे में नई ग्रोथ के लिए, लीव्स को हरा करने के लिए मेन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, उसमें नाइट्रोजन की काफ़ी ज़रूरत होती है। दूसरा, पौधे में हरापन अपने को बढ़ाना है, फुटान बढ़ानी है अपने को, पौधे में येलोनेस आ रही है या नए नए फुटान उसमें नई ग्रोथ नहीं आ रही है, तो अपने को मेनली नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है उस पौधे में। दूसरा फिर आ गया फॉस्फोरस का। फॉस्फोरस जो है सीड जब अपन शो उगाते हैं फील्ड में या सोइंग करते हैं, तो उस टाइम उसके उसको काफ़ी फॉस्फोरस की ज़रूरत होती है, क्योंकि न्यू स्ट्रक्चर जो बिल्डअप होता है उसके लिए फॉस्फोरस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। फिर तीसरा होता है पोटाश। पोटाश जो होता है वो फ्लावरिंग के टाइम पे, फ्रूटिंग के टाइम पे प्लांट को नीड होती है, जिससे फ्रूट का जो कलर है, फ्रूट की जो क्वालिटी या फ्लावर्स की जो क्वांटिटी है, कितनी संख्या में आपके फूल आएंगे, उसके लिए जो पोटाश है वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। तो इस तरीके से जो है मोटी मोटी अपन बातें थोड़ी थोड़ी समझ रहे हैं। तो अब मैं आपको एक एक करके प्लांट्स के बारे में भी बताऊंगा कि किस प्लांट में किस तरीके की फर्टिलाइज़र ज़्यादा नीड होती है। जैसे समझ लीजिए कि किसी पौधे के अंदर पत्तियां ज़्यादा हैं और फ्लावर नहीं, जैसे मनी प्लांट अपना हो गया, तो उसके अंदर अपने को नाइट्रोजन रिच की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिसमें नाइट्रोजन ज़्यादा हो। तो उसके लिए आप क्या करें कि या तो यूरिया का जो होते हैं कुछ 10 दाने डाल के 1 लीटर पानी में उसका स्प्रे कर सकते हैं, या जैसे 19-19-19 है उसका भी आप कर सकते हैं, तो वो बेस्ट रहता है। फिर अगली बात आती है अपने जो अडेनियम की अपन बात कर लें, या वुडी डिन का ट्रंक होता है, और उसमें अपने को क्या होता है कि उसकी ब्रांचिंग की भी ज़्यादा ग्रोथ करनी होती है अपने को, और उसके फ्लावरिंग की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उसमें अपने को फॉस्फोरस और पोटाश की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो हम जो अब बात करेंगे वो करेंगे कि अपना जो मेन प्लांट है जैसे अडेनियम है, अडेनियम को किस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो अडेनियम को सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है वो होती है फॉस्फोरस की और पोटाश की, क्योंकि फॉस्फोरस से क्या होगा कि उसके जो तने का विकास है, तने का जो डाया है वो बढ़ेगा और तने की मोटाई बढ़ेगी, पौधे का विकास जो होगा उसमें क्या है कि पत्तियों की और उसकी कम अपने को ज़रूरत होती है नाइट्रोजन रिच जो फर्टिलाइज़र है, क्योंकि अपने को वेजिटेटिव ग्रोथ उसकी कम चाहिए होती है, बजाय उसका ट्रंक ज़्यादा मोटा होए और उसमें फ्लावरिंग ज़्यादा होए। तो अपने को क्या है कि फ्लावरिंग बढ़ाने के लिए और ट्रंक की ग्रोथ बढ़ाने के लिए पोटाश रिच और फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइज़र की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो काफ़ी लंबा होने की पॉसिबिलिटी थी, इसलिए अभी अपने जो हैं यहीं तक ही डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो अपन जो है अपने गार्डन में बनाएंगे, और उसके अंदर एक एक अपन थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे प्लांट को देखते हुए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और ज़रूर करें साहब, चैनल आपका अपना है, सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।